26 जुलाई 1982 को बंगलुरु में कुली के सेट पर घायल हुए थे। 3 दिन सीरियस चोट और दर्द की कश्मकश के बीच जब चौथे दिन अमिताभ कोमा में चले गए तब डॉक्टर्स ने उन्हें मुंबई शिफ्ट किया। उस दिन हॉस्पिटल के अंदर और बाहर लोग दुआएं कर रहे थे जिस कारण अमिताभ को दोबारा जीवन मिला। यही वजह है कि 1982 के बाद से हर साल अमिताभ 2 अगस्त के दिन अपना दूसरा जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। बिग बी हॉस्पिटल में बिताए उन दिनों के किस्से कई इंटरव्यूज में शेयर कर चुके हैं। ऑपरेशन वाले दिन ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन की तरह लग रहा था। हॉस्पिटल के सेकेंड फ्लोर पर बने आईसीयू में अमिताभ को लाया गया। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होने के बावजूद डॉक्टर्स लगभग नाउम्मीद हो चुके थे कि वे बचेंगे। जया आईसीयू के बाहर खड़ी थी। डॉक्टर्स निराश होकर बाहर आने लगे तभी जया को अमिताभ के पैरों में हरकत दिखाई दी।